केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा कि बजट में नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर और आम जनमानस बहुत कुछ लाभकारी नीति है। किसान के आय को दोगुनी करने के लिए सरकार किस तरह से किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए बजट में पूरा उल्लेख है। ग्रीन गैस, डिफेंस कॉरिडोर और रक्षा के लिए किस तरह से सरकार ने वृहद बजट जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बजट पर राजनीति भले ही कर रहा हो, लेकिन ये बजट उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान के आम आवाम को बजट का इसका फायदा है। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। भारत सरकार का ये बजट आजादी के अमृत काल के पहले वर्ष का बजट है और बजट के पूर्व में जिस प्रकार से देश का आर्थिक सर्वे आया है वो इस बात को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की वैश्विक संकट की महामारी के बाद प्रगति की रफ्तार को तेजी से पकड़ा है। पर ये इस बात को भी दर्शाता है कि विशेष रूप से देश के एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं कि 30% लास्ट ईयर से बढ़ोतरी हुई है, इस बात को दर्शाता है कि एमएसएमई सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में विकास हो रहा है।